सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई पूरी हो गई है। बुधवार को इस सुनवाई का 40वां दिन और अंतिम दिन था। हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, राम जन्मभूमि न्यास की ओर से दलीलें रखी गईं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन ने अपनी दलीलें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 1949 में पहली बार ये मामला अदालत में गया था, लेकिन 6 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई शुरू कर दी थी, जो अब खत्म हुई है। अयोध्या मामले पर आखिरी सुनवाई के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली। बुधवार को जब सुनवाई के दौरान हिंदू महासभा की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने दलीलें देनी शुरू की, तो मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के साथ उनकी तीखी तकरार हुई। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने विकास सिंह के पेश किए गए एक नक्शे को फाड़ दिया और उसके 5 टुकड़े कर दिए। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने सुनवाई के दौरान एक किताब का हवाला देना चाहा। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने उसे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बताकर विरोध किया। इसके बाद सिंह ने एक नक्शा रखा। धवन ने इसका भी विरोध करते हुए हिंदू महासभा के वकील की तरफ से दी गई नक्शे की कॉपी को फाड़ दिया। आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने इस नक्शे को पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल की किताब अयोध्या रिविजिटेड से निकालकर अदालत में पेश किया था। किशोर कुणाल बिहार के हैं। वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो पटना के महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के सचिव भी हैं। वह पटना के ज्ञान निकेतन स्कूल के फाउंडर भी हैं। किशोर कुणाल गृह मंत्रालय में ओएसडी रह चुके हैं और अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाए जाने से पहले 1990 में अयोध्या विवाद से आधिकारिक रूप से जुड़े थे। सेवानिवृत्ति के बाद वो केएसडी संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति भी रह चुके हैं। किशोर कुणाल की लिखी किताब अयोध्या रिविजिटेड 2016 में प्रकाशित की गई थी। इस किताब में लिखा गया है कि अयोध्या में विवादित जमीन पर ही राम मंदिर थी और उसे 1528 में मीर बाकी ने ध्वस्त नहीं किया था, बल्कि इसे 1660 में औरंगजेब के रिश्तेदार फिदाई खान ने तोड़ा था। खास बात है कि इस किताब के प्रस्तावना को भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जीवी पटनायक ने लिखा है। इस किताब में कहा गया है कि बाबर एक उदार शासक था और विवादित बाबरी मस्जिद के निर्माण में उसका कोई रोल नहीं था। इस किताब में कहा गया है कि अयोध्या में मात्र एक सबूत थे जिससे साबित होता था कि इस मंदिर को बाबर से निर्देश के बाद मीर बाकी ने तोड़ा था। ये सबूत था 2 शिलालेख। किताब में कहा गया है कि मीर बाकी से जुड़ा ये सबूत झूठ है। किशोर कुणाल की किताब अयोध्या रिविजिटेड में दावा किया गया है कि 6 दिसंबर 1992 को जिस विवादित ढांचे को तोड़ा गया था वो बाबरी मस्जिद का नहीं था। किताब के मुताबिक इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि यहां पर राम मंदिर विराजमान था। किताब में कहा गया है कि बुकानन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक औरंगजेब के शासनकाल में अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिर तोड़े गए थे। किशोर कुणाल के मुताबिक राम मंदिर के दावे को साबित करने के लिए इस किताब में पहली बार 12 नए दस्तावेज जोड़े गए थे। बुधवार को हिंदू महासभा के वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने इसी किताब को अदालत में पेश करने की कोशिश की और कहा कि बाबरनामा में मंदिर को तोड़ने और मस्जिद को बनाने का कोई जिक्र नहीं है। पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल के मुताबिक ज्यादातर मंदिर औरंगजेब के काल में ही तोड़े गए थे। जन्म स्थान का निशान पड़ा रहता था जो सदियों से हिंदू लोग पूजा करते थे। एक बात मैं बतला दूं, भगवान का जन्म स्थान रेखांकित था, ईयर मार्क था, और वो ऐसा था कि जो हिंदू लोग पूजा करते थे, आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदू लोग पूजा करते थे, मुसलमान लोग नमाज पढ़ते थे, तो हिंदू लोग क्या करते थे, भगवान का जो जन्म स्थान था 18 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 5 इंच ऊंचा था। हिंदू लोग इसकी सदियों से पूजा करते थे और माथा टेकते थे। ये पूजा सदियों से। सर मुझे ये बता दीजिए कि एडमिसिबल नहीं थी क्या, इस वजह से उनको गुस्सा आया क्या? आपको बता दें कि वकील विकास सिंह ने कहा कि किशोर कुणाल की किताब को अदालत में रिकॉर्ड के तौर पर स्वीकार किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि किताब में 3 नक्शे हैं जहां पर जन्म स्थान की सही जगह अंकित है। बता दें कि इस पर डिबेट है कि भगवान राम का सही जन्म स्थान कहाँ है।
खैर अब मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सबसे आखिर में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने लिखित हलफनामा मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को लिखित में जमा करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर महीने के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना आखिरी फैसला सुना देगा। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हों तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।